कि पंजाब असेंबली में आजकल बिल पास कराने की एक लूट सेल लगी हुई है और आखिरी इजलास में सूबाई हुकूमत ने सिर्फ 45 मिनट के अंदर 12 बिल मंजूर करवाए हैं। ये बिल किस मकासद के लिए मंजूर करवाए गए और इतनी स्पीड क्यों लगी है? ये तो ये है, मेरे ख्याल में ये रिकॉर्ड है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के अंदर आना चाहिए कि एक असेंबली ने इतने कम अरसे के दौरान इतने ज़्यादा जो बिल पास कर दिए हैं और 45 मिनट के अंदर 12 बिल, अच्छी बात है। ओवरऑल जो पंजाब असेंबली ने पिछले 5 साल के दौरान 191 जो बिल पास किए हैं, मैं वही हिसाब लगा रहा था, अगर हम 5 साल का वक्त डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जितने सेशन हुए हैं उसके दौरान जितने बिल पास हुए हैं, तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई है। एनीवेज, क्योंकि वक्त होती साहब ख़त्म होता जा रहा है पंजाब असेंबली के पास, अब 31 मई को इन्होंने भी घर चले जाना, तो ये जो बिल पास किए हैं, बिल की तफसील आपको पहले बता दें, ये ड्रग्स पंजाब अमेंडमेंट बिल है, उसके बाद पंजाब लीगल एड बिल है, उसके बाद पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस इंस्पेक्टोरेट बिल है, उसके अलावा जनाब पंजाब यूनिवर्सिटी का एक टेक्नोलॉजी बिल है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन बिल है, इसके अलावा एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस बिल है, द रजिस्ट्रेशन है पंजाब अमेंडमेंट बिल है, मुख्तलिफ नो एग्जाम के बिल है। ऐसे लग रहा है कि वो तमाम किस्म के जो डिपार्टमेंट्स हैं होती साहब इस वक्त पंजाब हुकूमत के में काम कर रहे हैं, उनका जो काम करने का तरीका, यकीनी तौर पर जब बिल किसी भी डिपार्टमेंट का पास करते हैं तो उसका सारे का सारा जो काम करने का तरीका कार है, मुख्तलिफ किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशन सारे वो चेंज हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि आपको इस वक्त सारी चीज़ें क्यों नज़र आई? सीधी सीधी इसके पीछे बदनीति नज़र आ रही है, और करने को तो ये काम पहले बहुत पहले अरसा किया जा सकता था। लास्ट मुझे याद है कि जब पिछली हुकूमत थी उन्होंने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो अपने आखिरी अयाम के अंदर उन्होंने भी नेशनल असम्बली से काफ़ी ज़्यादा बिल पास करवा दिए थे। अब उसका इम्पैक्ट बाद में बहुत से बिल रिवर्स हो गए, उनमें एक बिल ये जो मुझे याद है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और यहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, वो इकट्ठी यूनिवर्सिटी कर दी, जल्दी में बिल किसी ख्वाहिश थी कि इसको इकट्ठा कर दिया जाए, इकट्ठा करके वो जनाब यूनिवर्सिटी कर दिया गया, उसके बाद सारे का सारा बेड़ा गर्क हो गया, पिम्स का भी यूनिवर्सिटी का, लड़ाई झगड़े चढ़ते रहे। अब कुछ अर्सा पहले वो दोबारा उस बिल को वापस लिया गया और सारे का सारा वो अब वापस चीज़ें हो गई हैं, पिम्स और मेडिकल यूनिवर्सिटी जो बनी, ये जो सारे बिल हैं वहाँ पे प्रोसिक्यूशन के हवाले से जो अमेंडमेंट्स आई हैं, टेक्नोलॉजी के बोर्ड है यूनिवर्सिटी का उसके हवाले से बिल है, बॉन्डेड लेबर के हवाले से बिल है, जो हाउसिंग फाउंडेशन है गवर्नमेंट सर्वेंट की उसके हवाले से बिल है। मेरी एक दो लोगों से बात हुई वहाँ पे पंजाब असेंबली के अंदर कि इतनी जल्दी में आपको ये क्या करने की ज़रूरत पड़ी, आप करना था तो काफ़ी अर्सा पहले कर देते। उन्होंने यह कहा हमें तो इस वक्त पंजाब जो हाउस है 371 का, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 307 मेंबरान हैं, तो उनको बिल्कुल कोई भी लेजिस्लेशन करने में कोई मुश्किल नहीं है। उन्होंने कहा जी आइंदा तो पता नहीं है हमारी हुकूमत आए या ना आए, तो लिहाजा हमने वो तमाम जो हमें चीज़ें चाहिए थी हमने सारे बिल पास कर दिए।